गुरु बहन आ गई। अरे आओ आनंद लक्ष्मी आओ बैठ। कचौड़ी का रुको रुको। कैसी? बहुत अच्छी। खाओ खाओ खाओ। स्वामी से 21 दिन का बिच्छो, हम कैसे सहेंगे? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हे ईश्वर, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। चोम चोम चामुंडाय। रुकिएगा बाबा। प्रणाम बाबा। हम आपकी समस्या समझ गए हैं। देवी, कृपया करके हमें ये बताइए कि आपके पति परमेश्वर कौन है और क्या करते हैं? हमारे पति विजयनगर राज्य के राजगुरु, परम ज्ञानी, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, सीधे ईश्वर से संपर्क रखने वाले महान गुरु तथा आचार्य जी हैं। ओह, कालू बैल, काले बैल, काल बैलू महोदय। दरबार में बहुत ज्ञान दिखा रहा था, अब मजा चखाता हूँ। बाबा, क्या सोच रहे हैं? आप चिंता मत करें देवी, हम अभी आपकी दुविधा दूर कर देते हैं। खाओ खाओ। देवी, ये चमत्कारी पाप निवारक भभूत है। अमावस्या के अगले दिन इसे अपने शरीर पर धारण कर हा मंत्र का उच्चारण करते हुए मोर पंख के झाड़ू से 11 बार अपने पति को झाड़ा लगाए, आपका प्राश्चित पूर्ण हो जाएगा। और ध्यान रहे, आज अमावस्या के निकल जाने के पश्चात ये पाप निवारक भभूत जो मैंने आपको दी है, इसे अपने शरीर पर धारण करके ही अपने पति के सम्मुख जाए और तब तक अपने ही निवास पर छुप कर रहे। छुप कर क्यों बाबा? इस उपाय को करने से पूर्व आप किसी के सम्मुख नहीं जा सकते, अन्यथा ये उपाय भंग हो जाएगा। परंतु बाबा, हम स्वामी को बिना बताए उनको झाड़ा कैसे लगाएंगे? उनको कितना बुरा लगेगा। तो झाड़ा पूर्ण होने के पश्चात आप अपने पति से क्षमा मांग लेना। ध्यान रहे, झाड़ा पूर्ण होने के पहले आप अपने पति या किसी और से वार्तालाप नहीं करेंगे। भ्राताश्री, ये कचौड़ियाँ हम अपने कक्ष में ले जाकर खा सकते हैं? जहाँ तुम्हारा मन करे, हैं? कक्ष के बाहर खाओ, कक्ष के अंदर खाओ, कक्ष के ऊपर खाओ, नीचे खाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। जी, चलिए हम ले चलें। अरे नहीं 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 भ्राताश्री, आप नहीं, हम लेकर जाते हैं ना। अच्छा जाओ। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने अभी वरुण माला को देखा? परंतु वरुण माला यहां कैसे हो सकती है? मैं कहूंगा महाराज, ये देखिए, ऐसा प्रतीत होता है यहां पर हाथापाई हुई है, कोई दुर्घटना घटी है। गत रात्रि यहां पर क्या हुआ होगा? पंडित रामकृष्ण रामा महामंत्री जी, महाराज पंडित राम को खोजना होगा, वो यही कहीं होंगे। रामकृष्णा महाराज, महाराज ऐसे स्थान पे आपका आगे जाना उचित नहीं है महाराज, कृपया करके आप महल की ओर प्रस्थान करें। परंतु पंडित रामकृष्ण को, महाराज हम आपकी दुविधा समझते हैं, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हम पंडित रामकृष्ण को आपके समक्ष शीघ्र ही शीघ्र अवश्य प्रस्तुत करेंगे। आप कृपा करके महल की ओर प्रस्थान करें। हाँ महाराज, उचित है, परंतु आप दोनों पंडित रामकृष्ण को लेकर आना। जो आज्ञा महाराज। गोविंद, कहाँ हो तुम? अरे तुम वहां क्यों छुपे हो? देखो, हम तुम्हारे लिए कचौरियां लेकर आए हैं। जाली, तुझे तो बचपन से कचौरियां बहुत पसंद है। हाँ।
कैसी लगी? अत्यंत स्वादिष्ट है। और अब कैसी लगी? अब तो ये और भी अधिक स्वादिष्ट होगी। अब से हम तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाएंगे। सच? सच। वरुणमाला, 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 वरुणमाला। लगता है भ्राताश्री आ गए। तुम हाँ वहाँ उस पर्दे के पीछे छिप जा, जाओ। वरुणमाला, अनंत लक्ष्मी, क्या हुआ भ्राताश्री? पंडित रामाकृष्ण, पंडित रामाकृष्ण, आप कहाँ हैं? पंडित रामाकृष्ण, पंडित रामाकृष्ण। सिपाही रुको, खाड़ियों के पीछे कुछ है, देखो जाओ जल्दी। अरे ये तो बाबा काल भैरव है, ये तो मूर्छित अवस्था में। सिपाहियों जल्दी से जल की व्यवस्था करो, जाओ जल्दी। बाबा 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 काल भैरव, बाबा मृत्यु सत्य है, शेष सब व्यर्थ है। बाबा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबा, हम हैं तुम्हारा सु महामंत्री प्रलयनाथ। प्रलयनाथ? बाबा प्रलयनाथ यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो कुएं में बंद है और कुएं के इर्द गिर्द हमने सख्त पहरा लगा के रखा है। आप सिर्फ ये बताइए कि पंडित रामकृष्ण कहाँ है? प्रलयनाथ कहीं भी जा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। महामंत्री जी हमें महाराज के पास ले चलिए, हमें उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। शीघ्र चलिए चलिए। शोम शोम चामुंडा, मृत्यु सत्य है, शेष सब व्यर्थ है। तुम यहां क्या कर रहे हो अनंता लक्ष्मी? ये यहां क्या कर रहा है? किससे बातें कर रहे हैं भ्राताश्री? किससे बातें कर रहे हैं? ये गोविंद उल्लू, ये पंडित रामकृष्ण का साला कहाँ है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे अनंता लक्ष्मी तुम्हें इतना बड़ा घोड़ा, ये घोड़ा, ये घोड़ा दृष्टिगत नहीं हो रहा? भ्राताश्री पहले आप गोविंद कह रहे थे, अब आप घोड़ा कह रहे हैं। पहले ना आप सुनिश्चित कर लीजिए कि वहाँ है क्या। अरे अनंता लक्ष्मी तुम्हें ये तुम्हें गोविंद दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं भ्राताश्री। अरे ये जो मुंह में कचौड़ी लिए खड़ा है। अरे देखिए कचौड़ी तो मेरे पास है। हाँ? कचौड़ी तो अनंता लक्ष्मी के हाथ में है। ये अरे ये कहाँ चला गया? कोई होता भ्राताश्री तभी तो जाता, वहाँ तो कोई था ही नहीं। तो था। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कभी गोविंद दिखाई देता है, कभी वरुणमाला दिखाई देती है। हमें लगता है कि आपको कोई भ्रम हुआ है। प्रणाम गुरुवर, महाराज ने आपको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अब क्या संकट आ पड़ा? चलो चलो मूर्खो। जी गुरुजी।
प्रणाम महाराज। महाराज ने हमारे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया, बड़ी विचित्र बात है। और ये सब लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। प्रणाम प्रणाम महाराज। काल वैलु महोदय, पंडित रामकृष्ण कहाँ है? हमने आप पर विश्वास किया, आपके अनुष्ठान हेतु हमने पंडित रामकृष्ण को आज्ञा दी आपके साथ जाने के लिए, और अब हम आपसे पूछ रहे हैं पंडित रामकृष्ण कहाँ है? पंडित रामकृष्ण जी उस पिशाच के बंदी है। महाराज, कल रात्रि वो पिशाच प्रलनाद हमारे अनुष्ठान को भंग करने आया था। या महाराज, वो पंडित रामकृष्ण के एक साले और एक कन्या का रूप बदलकर हमारे अनुष्ठान में विघ्न डालने आया था। आप क्या कर रहे हैं कालू बेल? काल बेलू जी। गुरुवर, प्रलनाद पिशाच किसी का भी रूप धरने में सक्षम है, और आपको तो ज्ञात ही होगा कि ये पिशाच कितने मक्कार होते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, हमें लगता है कि आपको कोई भ्रम हुआ है। हाँ, हमें ज्ञात, हमें भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। फिर क्या हुआ? महाराज, हुआ कुछ नहीं, परंतु वो... गुरुवर, हम आपसे नहीं काल बैलू महोदय से पूछ रहे हैं, फिर क्या हुआ? महाराज, उस कन्या के रूप में आए प्रलनाथ ने तोड़ फोड़ की और हमारी दिव्य गुड़िया को भी तोड़ दिया। आप अपनी बात छोड़िए, हमें पंडित रामकृष्ण के विषय में बताइए। महाराज, वो प्रलनाथ रूप बदल कर आया तो सही, परंतु पंडित रामकृष्ण उसके जाल में नहीं फंसे, परंतु कुछ समय पश्चात हमें पंडित रामकृष्ण जी की चीख सुनाई दी। महाराज, हमने अपनी आंखें खोली तो देखा, रुक जा दुष्ट, पंडित रामकृष्ण को छोड़ दे, हम आज ही तेरी काली शक्तियों का अंत करेंगे। शोम शोम चामुंडा शोम। रात के अदृश्य अनुचरों, छोड़ो मुझे। छोड़ दो पंडित रामकृष्ण को, छोड़ दो। महाराज, पंडित रामकृष्ण को ले जाने के पश्चात उस पिशाच प्रलनाद के अदृश्य अनुचरों ने अनुष्ठान स्थल को तहस नहस कर दिया। बड़ी कठिनाई से हमने अपने प्राण बचाए। महाराज, बाबा काल बैलू जी हमें खंडरों के पास झाड़ियों में मूर्छित अवस्था में मिले। काल बैलू महोदय, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण जीवित तो है। हाँ, बताइए। हम अभी कुछ नहीं कह सकते महाराज, कल के अनुष्ठान में हम अपनी बहुत सी संचित शक्तियों को खो चुके हैं, अतः हमें अपनी शक्तियाँ पुनः संग्रहित करनी होंगी। इस कार्य में हमें 2 दिवस लगेंगे महाराज, 2 दिवस पश्चात हम पुनः अनुष्ठान आरम्भ करेंगे और इस बार अवश्य सफल होंगे। महाराज, हमारी अनुपस्थिति में प्रलनाद अपने अनुचरों के साथ विजयनगर में उत्पात मचाएगा और उसका प्रकोप सब पर पड़ेगा।
आप पर, आपके दरबारियों पर, यहाँ तक कि समस्त विजयनगर पर उसका प्रकोप पड़ेगा। हे भगवान, महाराज, इसीलिए हम आपको सूचित करने आए हैं कि 2 दिवस के लिए आप सब सचेत रहें। हम तो दरबार ही नहीं आएंगे। अब हमें आज्ञा दें, हमारे लिए एक एक पल अमूल्य है। परंतु कालबैलू महोदय, पंडित रामकृष्ण का क्या? हम अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने के पश्चात ही पंडित रामकृष्ण जी के विषय में कुछ बता पाएंगे। जाइए। महामंत्री जी। महाराज, पंडित रामकृष्ण को खोजना प्रारंभ करें। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्ण, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कि गोविंद को देख मुस्कुरा क्यों रहा है? अम्मा, हमें लगता है इसे कोई पुराना चुटकुला अब समझ में आया है, इसलिए मुस्कुरा रहा है। अम्मा, अब रहने दो, घर में भी यही करता था। अम्मा, शारदा, आप लोग ऐसे आराम से क्यों बैठे हो? मेरे बाबू कहाँ है? उन्हें लेकर आओ। क्या हुआ भास्कर? अभी तो तुझे दूध पिलाया था, अब क्यों रोने लगा? अम्मा, 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 अनर्थ हो गया। क्या हो गया? वो मिल गया क्या? अम्मा, उठा लो। अरे गुंडप्पा, वो तेरे मित्र हैं, तूने एक क्षण के लिए फिर भी क्षमा कर सकता है, परंतु हम और अम्मा उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। मैंने उसे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि वो मुझे अपनी सगी माँ को कपटी गए। सही कहा अम्मा। अम्मा, आप रामू को तभी डंडे से मारूंगी तब वो लौट कर आएगा, परंतु वो तो सदैव के लिए चला गया है। क्या कह रहे गुंडप्पा, कहाँ गए वो? कुछ गली पुल बाबा कालबैलू जी ने महाराज को सूचित किया है कि प्रणयनाथ पिज्जा लामा को अपने साथ ले गए। सत्य नहीं है? यही सत्य है, विजयनगर में यही चर्चा चल रही है। और बाबा कालबैलू ने ये भी कहा कि प्रणयनाथ पिज्जा और उसके अनुचर विजयनगर में आके उत्पात मचाएंगे। महाराज की ओर से मुनादी हो रही है, सबको सचेत रहने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं हो सकता। माँ पे पूरा विश्वास है हमें कि वो हमारे स्वामी को कुछ नहीं होने देंगी। गुंडप्पा, लगता है आंधी तूफान आ रहा है, जल्दी से दरवाजा खिड़कियां बंद कर। शारदा, शारदा! अम्मा, ये उनका स्वर है। परंतु है क्या? मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? रामा, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? एक बार सामने आ जा, तेरा
करा वो हश्र करूंगी कि स्मरण रहेगा। मुझे कपटी कहता है हाँ, और मुझे चुड़ैल और मुझे गुंडा। तू रसोई में जाके देख। जी अम्मा। रसोई में भी नहीं है, बिस्तर के नीचे भी नहीं है। अब हो कहाँ? तुम्हारे ऊपर। अब दाएं, अब बाएं। बापू क्या दाएं बाएं कर रहे हो, समक्ष क्यों नहीं आते? अब तुम्हारे समक्ष। फिर आप समक्ष है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? प्रेत योनि, प्रेत योनि का सबसे उत्तम लाभ ये है कि जब इच्छा हो प्रकट हो सकते हो और जब इच्छा हो अदृश्य। प्रेत योनि? हाँ, प्रेत योनि। अब मैं प्रेत बन गया हूँ, प्रलयनाथ पिशाच का अनुचर प्रेत। पीछे मुड़ के देखो, देखो पीछे। आज अमावस्या का अगला दिन है, आज हमें बाबा के कहे अनुसार उपाय करना होगा। वहाँ कोई है, कोई है? हमने देखा वहाँ भीतर कक्ष में कोई विचित्र सा व्यक्ति हमें घूम घूम कर देख रहा। गुरु जी, ये कोई विचित्र व्यक्ति नहीं, ये तो हमारी प्यारी गुरु बहन है। मूर्ख, क्या हम अपनी बहन को नहीं पहचानेंगे? क्या हुआ भ्राता श्री? कुछ नहीं बहना, कुछ नहीं। तुम बैठो, हम अभी आते हैं। जी। द्वार का अटक गया। बचाओ। गुरु जी बहुत बड़ी मुसीबत है, गुरु बहन उन्हें बचाइए। चलो बचाओ। क्या हुआ आपको? हमें बचाओ, हमें बचाओ बहना। किससे बचाएं? उससे किससे, आप बताइए तो सही। पता नहीं, बस हम तो इतना जानते हैं कि कक्ष के भीतर से हम पर किसी ने आक्रमण किया। हमारे सर पर झाड़ू से तबला बजा दिया बहना। वो मुख से विचित्र विचित्र सी ध्वनि भी निकाल रही थी। ध्वनि निकाल रही थी? और वो जो ध्वनि थी वो बिल्कुल वर्णमाला से मिलती जुलती थी। क्या ध्वनि निकाल रही थी? चलिए। नहीं अरे नहीं नहीं भ्राता श्री, हम है ना, चलिए तो सही, हमें हमारी रक्षा करना। चलो
क्यों अम्मा? तुम तो मुझे अभी डंडे से पीटने की बात कर रही थी ना? और शारदा देवी, आज तरकारी नहीं मंगवाओगी मुझसे? नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? आज तो हमने दाल की चीज बनाई है। नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अरे कोई मुझे भी तो संभालो, शारदा मेरी लंगोट गीली हो गई है। गुंडप्पे, ओ गुंडप्पे, तू तो मेरा मित्र है। चल तुझे हवा की सैर कराता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पाठ स्मरण करना, अन्यथा मैं तेरे साथ चलता। पाठ स्मरण करना है? हाँ। अच्छा अच्छा बोल रहा है। आज मैं तुम सबसे गिन गिन के, चुन चुन के बदला लूंगा। जीजा जी, प्रणाम जीजा जी। इधर आओ मेरे पास। जीजा जी, जीजा जी, ये एक ही रात्रि में आपके नख इतने बढ़ गए, कैसे? ऐसे ही, ऐसे ही जब मैं जीवित था, प्रश्न पूछ पूछ कर तूने मेरा मस्तिष्क खराब कर दिया था। अब सबसे पूर्व मैं तुझे ही सबक सिखाऊंगा। प्रेत रामा, इन तीनों पर तरस नहीं खाना। अवश्य प्रेत बंधु। अरे बाबू तो सच में प्रेत बन गए हैं, और बाबू के साथ साथ बाबू के छोटी बंधु भी प्रेत बन गई है। आज हमारी खैर नहीं। राताशी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। नहीं बहना, था यही था, अवश्य था। वो हम द्वार में फंस गए थे और वो हमें ये मारा। गुरुजी, आपको वो तांत्रिक बाबा काल बेलू की जीवी चेतावनी याद है कि नहीं? महाराज, हमारी अनुपस्थिति में प्रलयनाथ अपने अनुचरों के साथ विजयनगर में उत्पात मचाएगा और उसका प्रकोप सब पर पड़ेगा। भ्राताश्री, आप ना तनिक सो जाइए, आराम मिलेगा। आराम कीजिए गुरुजी, आप आराम कीजिए। ठीक, हम विश्राम कर लेते हैं। चलिए। अरे आराम से लेट जी। आए गुरुजी, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। तुम लोग जा रहे हो? हाँ, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। चलिए नंदा बहन, आप बंद कर दो, बंद कर गुरुजी, आराम बंद कर, चलो आओ। उफ, हाय। ये तो अपनी गुरु माता है। गुरु माता नहीं है, गुरु माता नहीं है, ये पिशाच प्राणनाथ का भेजा हुआ प्रेत। हमें बचाओ, झाड़ के बाद हमारा उपाय पूर्ण हो चुका है, हमें तो आपसे क्षमा मांगनी है। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए स्वामी, हमारी बात तो सुनिए स्वामी, हम वरुण माला है, रुकिए तो। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दीजिए। एक ही वचन पर जाने दूंगा। कैसा वचन? माँ पहले वचन दो, रामा को आज के बाद कभी भी डंडे से नहीं पीटोगी, पीटना तो दूर, कभी उसे अपने डंडे से भयभीत भी नहीं करोगी। क्या कहा? करोगी? वो तो बोलेंगी ही। अब शारदा देवी, अब तुम वचन दो।
कि रामा से घर के कार्य नहीं करवाऊंगी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। रात्रि में सोते समय इसके पैर दबाओगी, ना कि स्वयं के पैर दबाओगी। शारदा, तू सिर्फ पैर दबाओगी? रामा कभी 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 आप नहीं कराएंगे, हाँ मुझे नहीं दे, कभी नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। मैं भी वचन देता हूँ कि कभी भी शारदा द्वारा लगाई आग को और भड़का रामा को अम्मा से नहीं पिटवाऊंगा। वृद्ध महोदय, तू ऐसा करता था गुंडप्पा? कभी 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 कभी, पर अब मेरे वचन नहीं थे, अब मैं नहीं चलूंगा। ये प्रेत बापू की इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? ये कुछ अधिक ही पक्ष नहीं ले रहे, अवश्य ही कोई गड़बड़ है। ये सब विजयनगर निवासी कहाँ चले गए? दुकानें भी बंद। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। गुरुजी, प्रतीत होता है कि उस प्रलयनाथ पिशाच के डर से सारे निवासी अपने घर में ही दुबक गए हैं। लक्ष्मी, अरे आनंद लक्ष्मी कहाँ है? अरे मूर्ख, आनंद लक्ष्मी कहाँ है? आनंद लक्ष्मी, अब हम बात कर सकते हैं। बाबा का बताया उपाय पूर्ण हो चुका है। अनंत लक्ष्मी, जोर से बोलो। जय माता की। हम हैं आपकी भाभी श्री। हे भगवान, हे भगवान, हमें पुणे भीतर जाना होगा। नहीं जाएंगे, पैसे नहीं जाएंगे, मेरे पैसे नहीं जाएंगे। गुरुजी, गुरुजी, गुरु बहन निवास में नहीं होंगी, हम लोगों ने भागते हुए देखा। क्यों जानी? मेरी सही कह रहा है, देखा, देखा। यदि स्वयं अपनी आंखों से देखा है तो अनंत लक्ष्मी हमारे साथ क्यों नहीं है? गुरुजी, एक चक्रवात जैसे कि कोतवाल जी ने बताया था गुरु जी, महाराज को मुझे मार डालेगा। भगवान, गुरु जी प्रतीत होता है प्रलयनाथ पिशाच का प्रकोप संपूर्ण विजयनगर में फैल चुका है, सब मारे जाएंगे। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, अरे भागले, भागले। क्षमा, क्षमा। बच गए। अरे अरे उधर क्या देख रहे हैं मूर्खो? जरा आगे हमें उठाओ, फिर से तो नहीं आएगा। अरे अरे भगवान, हाय हमारी प्यारी बहन अनंत लक्ष्मी, ना जाने इस समय कहाँ है। ईश्वर, अब हम क्या करें इनका? आपको तो अब स्वामी ही ठीक कर सकते हैं। आप यही रहिएगा, हम अभी स्वामी को निवास स्थान पर लेकर आते हैं, यही रुकिएगा आप। इधर आओ गुरु जी। बुला, हाँ गुरु जी। कहाँ है हमारी बहन? उसका ध्यान क्यों नहीं रखा तुम लोगों ने? हमें क्षमा कर दीजिए, वो गुरु माता प्रलयनाथ पिशाच के प्रेत को देखकर बहुत डर गए थे, हमारे तो होश ही उड़ गए थे। जो भी हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने गुरु बहनों को निवास से भागते हुए देखा है अपनी आंखों से। क्यों धनी? हाँ मनी ने पुनः सत्य बोला।
यदि उसे निवास से भागते हुए देखा है तो वो हमारे साथ क्यों नहीं है? यही तो चिंता का विषय है गुरुजी। इसका अर्थ है वो वही होगी और इसका अर्थ है कि वो भी वही होगा और इसका अर्थ है वो वहां था इसलिए वो वही है। अरे गुरुजी कौन कहा था और कौन कहा है? पंडित रामा कृष्णा। पंडित रामा कृष्णा? परंतु गुरुजी पंडित रामा कृष्णा तो लापता है। पंडित रामा कृष्णा लापता नहीं है, वो अपने घर में छुपा बैठा है। अरे चलिए गुरुजी आपकी बात मान के हम मान लेते हैं कि पंडित रामा कृष्णा अपने घर में छुपा बैठा है, किंतु किंतु गुरु बहना वहाँ क्यों जाएगी? क्योंकि पंडित रामा कृष्णा अपने निवास स्थान पर है। उसने हमारी भोली भाली बहन को अपने चंगुल में फंसाया है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारी अनंता लक्ष्मी उसी के निवास स्थान पर गई है। नन्ही मनी गुरु जी आओ हमारे साथ। वचन क्रमांक 27 वचन दो शारदा कि तुम रामा को प्रतिदिन घी पूरी और भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाओगी। वचन दो। वचन देते वचन दो वचन देते हम वचन देते। अरे बापू विवाह में भी साथ ही वचन होते हैं, और कितने वचन लोगे? हमारी बहन कहाँ है? कहाँ है हमारी बहन? अरे गुरुवर आप अहम कहाँ है हमारी बहन अनंता लक्ष्मी? हमें क्या लेना देना आपकी बहन से, हमें नहीं ज्ञात कि वो कहाँ है। अब आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है उचित। नहीं, नहीं हम अपनी बहन को यहाँ से लिए बिना नहीं जाएंगे। गुरुवर आपकी बहन यहाँ हो तब ना, वो तो असत्य बोल रहे हैं आप सब। हमें ज्ञात है वो यही है, बताओ कहाँ है। हे ईश्वर आपकी बहन यहाँ क्यों होगी? क्योंकि वो नहीं, हम कारण नहीं बता सकते, केवल इतना जानते हैं कि वो यही है। गुरुवर आपकी बहन यहाँ नहीं है। है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? है। गुरुवर अपने पीछे पलट कर देख लीजिए, आपकी लापता बहन से अधिक बड़ी समस्या से तो हम लोग ग्रसित हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रामा से पूछ लो। देखा हमने कहा था ना पंडित रामा कृष्णा घर में छुपा बैठा है। कहाँ है पंडित रामा कृष्णा? बुलाइए उन्हें। आपके पीछे ही तो खाले, पूछ लो। हाँ तो बताइए पंडित रामा कृष्णा। हाय पंडित रामा कृष्णा, ये बड़े विचित्र से प्रतीत हो रहे हैं आप। ये पंडित रामा कृष्णा का कौन सा नया स्वांग है? ये रामा नहीं है, रामा का प्रेत है, प्रेत रामा। आपकी बहन यहाँ नहीं है। बोलती बंद हो गई। यही पूछना चाहते हैं ना कि मैं प्रेत कैसे बन गया? बहुत सताया है आपने गुरुवर, बहुत सताया है। हिंदी और माला के अनुसार बोलिए। क्षमा क्षमा क्षमा। पहले वचन दो कि रामा को कभी नहीं सताओगे। कैसे सताएंगे प्रेत रामा? अब तो आप चले गए दूर, बहुत दूर चले गए। अच्छा बहुत दूर चला गया हूँ ना, रुकिए अभी समीप आता हूँ। नहीं नहीं हम वचन देते। वचन दो कि रामा के विरुद्ध कभी कोई षड्यंत्र नहीं रचोगे। वचन देते। वचन दो कि दरबार में रामा की चुगली कभी नहीं करोगे। वचन देते। तू नहीं गुरुवर वचन देंगे। हम वचन देते। वचन दो कि मेरे पीठ पीछे
कभी मेरी चुगली नहीं करोगे। हम वचन देते। वचन दो। वचन देते। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। आपके कुछ भी कहने से पूर्व ही हम वचन देते हैं। ठीक है तो जाइए यहाँ से। अब भागो। अम्मा शारदा गुंडप्पा, तो अब मैं रामा को पुनर्जीवित कर देता। अपनी आंखें बंद करो। नहीं तुम सब बीच में आंखें खोलोगे। एक कार्य करो, घूम जाओ, घूम जाओ। आंख बंद है। चलो उठक बैठक शुरू करो। जो आज्ञा जी। जी तुम सब भी उठक बैठक शुरू करो। लगता है तुम लोग रामा को जीवित नहीं देखना चाहते। नहीं नहीं देखना चाहते, देखना चाहते। हाँ तो शुरू करो। संदेह सही निकला, ये प्रेत नहीं बापू ही है। अम्मा सामने देखो, शीशे में देखो तो बिंदुलू। चुप हो जा। जैसा जीजा जी के प्रेत ने बोला वैसा ही करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अम्मा उठा लो। बापू ने पुनः अम्मा और शारदा को मूर्ख बनाने का विफल प्रयास किया है। बापू पिटने के लिए तैयार हो जाओ। अम्मा तुमने अभी वचन दिया था। मैंने रामा के प्रेत को वचन दिया था, ना कि रामा को। तो रामा कहाँ है? मैं ही तो रामा का प्रेत हूँ। तुम लोग उसे डर क्यों नहीं रहे हो? अरे 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 अम्मा 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 रुको 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 अम्मा रुको रुको। तुम लोगों को ज्ञात हो गया? अम्मा शारदा मैं तो बस प्रयोग कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि प्रेत बनकर मैं लोगों को भयभीत कर पाता हूँ या नहीं। और हर्ष की बात तो ये है कि मेरा प्रयोग सफल रहा। अम्मा हमें भयभीत करके इन्हें हर्ष हो रहा है। अम्मा सुनो तो। अरे मेरी बात सुनो, महाराज को विजयनगर को षड्यंत्र से बचाने के लिए ये प्रयोग करना आवश्यक था। प्रयोग बाद में, पहले गोविंदुलू को रुकने के लिए बोलिए। अरे छोड़ो ना। गोविंदुलू रुक जा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे पीट पीट के प्रेत बना दूंगी। नहीं 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 नहीं, बचाओ 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 बचाओ। महाराज आप पंडित रामकृष्ण के विषय में सोच रहे हैं? महाराज बाबा काल बैलू ने पंडित रामकृष्ण के विषय में जो कहा था क्या वो सत्य है? महाराज हमें तो बहुत चिंता हो रही है। आप दोनों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। महाराज हम तो भूत प्रेत पर कभी विश्वास ही नहीं करते, यदि हमने अपनी आंखों से उस पिशाच को ना देखा होता तो। महारानी जी न देवी, हम तो भूत प्रेत और राक्षसों के अस्तित्व को बचपन से मानते आए हैं। क्या राक्षस सच में होते हैं? जी जब हम छोटे थे ना तो हमारे राज्य में पंडित मरणोपरांत ब्रह्म राक्षस बन जाते थे। हाँ? क्या? वो जो ब्रह्म राक्षस था ना उसका संपूर्ण शरीर श्वेत, उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे और गज भर लंबे हाथ के नाखून। हे ईश्वर वर्णन करते हुए भी
हमारे तो हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे? महारानी तिरुमलम्बा, आप तो इतनी कोमल है कि आपके रोंगटे हैं ही नहीं, खड़े कैसे होंगे? महाराज, अब उपहास कर रहे थे हम तो। महाराज, 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 शांत, शांत। कौन हो तुम? महाराज, मैं पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण? ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस? ये स्वयं स्वीकार कर रहा है कि ये ब्रह्म राक्षस है। अरे नहीं नहीं, मैं तो महाराज लग तो देखिए, ये अवश्य ही ब्रह्म राक्षस है। महाराज आंखों के नीचे काले घेरे, संपूर्ण शरीर श्वेत। महाराज जिस प्रकार छोटी रानी ने ब्रह्म राक्षस का वर्णन किया था, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तलवार कहाँ है हमारी? लाइए। ये लीजिए महाराज। सावधान। महाराज, महाराज तलवार फेंक दीजिए। हाँ, तलवार फेंक दीजिए। फेंक दी। ये लीजिए महाराज, हमारा प्रिय लोटा। आपको स्मरण है ना, प्रलयनाथ पिशाच को हमने अपने इस प्रिय लोटे से ही मार गिराया था। आप भी इस ब्रह्म राक्षस को इसी लोटे से मार गिराइए। दीजिए महाराज। सावधान। फेंक दीजिए महाराज, फेंक दीजिए। ये लीजिए महाराज, हमारी वीणा लीजिए। महाराज, हमारी इस वीणा के प्रहार से प्रलयनाथ पिशाच मृत्यु को प्राप्त हुआ था। आप इसी वीणा से इस ब्रह्म राक्षस का वध कीजिए। हमारी वीणा से? नहीं महाराज, आप हमारे इस लोटे से वार कीजिए। नहीं महाराज, हमारी वीणा से वार कीजिए। हमारे लोटे से वध कीजिए महाराज। महाराज, हमारी वीणा। शांत, शांत हो जाइए। लीजिए महाराज आपकी तलवार। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। प्रणाम महाराज। महाराज, हम अपेक्षा करते हैं कि हमने आपको। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम पंडित रामकृष्णा। परंतु ये क्या हो गया आपको? हाँ वो महामंत्री जी, ये पंडित रामकृष्ण नहीं है, अपितु ब्रह्म राक्षस है। पंडित रामकृष्ण ब्रह्म राक्षस? नहीं, मैं ब्रह्म राक्षस नहीं, मैं तो महाराज हम तीनों महामंत्री के पीछे छुप सकते हैं, वहाँ पर ब्रह्म राक्षस हमें देखेगा भी नहीं। हाँ। नहीं, 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 हम तो यहाँ है नहीं, हम तो मछलीपट्टनम में हैं। महामंत्री जी, आप मछलीपट्टनम कब गए? अभी। महामंत्री, महामंत्री जी। अब तो बस एक ही उपाय बचा है, पंडित रामकृष्ण की अम्मा जी को बुलाइए। नहीं 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 महाराज, नहीं, अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। मैं उचित समय देखकर वापस आता हूँ। ये आपकी तलवार। अम्मा को नहीं, अम्मा को नहीं। प्रणाम महाराज, मैं बाद में आता हूँ। रुकिए पंडित रामकृष्ण। हाँ। हमें ज्ञात हो गया कि आप पंडित रामकृष्ण ही हैं, कोई ब्रह्म राक्षस नहीं है, क्योंकि केवल पंडित रामकृष्ण ही अपनी अम्मा जी से इतने भयभीत होते हैं। हाँ वही तो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। ये तो नकली नख है, ये देखिए। सब नकली है। पंडित रामकृष्ण, ये नाटक करने की क्या आवश्यकता थी आपको? हमसे कुछ अनर्थ हो जाता तो? आपको तो ज्ञात है कि हमारा एक ही वार हमारे शत्रुओं का संहार करने हेतु पर्याप्त है। फिर आप पर हमने त्रुटिपूर्वक भी वार कर दिया होता तो? जी महाराज, क्षमा चाहता हूँ, सब बताता हूँ आपको। बस एक बात, मंत्रीवर, मंत्रीवर आप पुणे आ जाइए। परंतु महामंत्री जी तो महाराज, महाराज हमने सब कुछ सुन लिया है, मछलीपट्टनम का कार्य प्रतीक्षा कर सकता है। वाह पंडित रामकृष्ण। समझ रहे हैं हम। मंत्रीवर, किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ। विजयनगर में सबको यही लगना चाहिए कि मैं अभी भी लापता हूँ। परंतु पंडित रामकृष्ण कितने समय तक, और हमें नहीं लगता कि ये बात हम अधिक दिनों तक गुप्त रख पाएंगे। महाराज आप केवल मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। 2 दिन में क्या हो जाएगा पंडित रामकृष्ण?
आपको ज्ञात हो जाएगा महाराज, केवल दो दिन प्रतीक्षा करें। विजयनगर नरेश तुलवा वंश के शिरोमणि महाराजाधिराज कृष्णदेव राय जी पधार चुके हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 महाराज महाराज हमारी रक्षा कीजिए महाराज, विजयनगर पर आ रहे इस भयानक संकट का निवारण कीजिए महाराज। शांत हो जाइए आप सब, हम आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। सब लोग हट जाइए, हमारे गुरुजी आ रहे हैं। तथाचार्य जी आ रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर आप ठीक तो हैं? प्रणाम महाराज। हमें क्या होना है महाराज, हम ठीक हैं, एकदम ठीक है महाराज, एकदम स्वस्थ हैं हम। वो महाराज वो क्या है महाराज, हमारे गुरुजी प्रेत पंडित रामकृष्ण को देखकर अत्यधिक भयभीत हो गए थे, और उसके बाद गुरु माता का प्रेत देखकर हमारे गुरुजी मूर्छित हो गए थे, इसलिए इन्हें लेकर यहाँ पर आ गए। मूर्खो चुप रहो, चलो जमा को जमा। महाराज हुआ ये कि अभी कुछ समय पूर्व प्रलयनाथ पिशाच के अनुचरों ने हम पर आक्रमण किया महाराज। हमारे निवास पर वरुण माला के रूप और पंडित रामकृष्ण के निवास पर प्रेत रामा के रूप में पिशाच प्रलयनाथ के अनुचरों ने हमारे प्राण लेने का प्रयत्न किया महाराज। गुरुवर आपको देखकर ही आश्चर्य होता है, अर्थात ईश्वर का धन्यवाद कि आप ठीक है। हाँ महाराज, हमने उन प्रेतों की वो दुर्दशा की कि सदैव स्मरण रखे। मन तो देख रहा है ना, बुड्ढा कैसे असत्य पे असत्य, असत्य पे असत्य बोल रहा है। राजगुरु तथाचार्य की जय। 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 महाराज संकट प्रबल और घड़ी भी कर, परंतु हमारे पास इस समस्या का हल है, और हल है पिशाच निवारण महायज्ञ। पिशाच प्रलयनाथ से और उसके अदृश्य अनुचरों से विजयनगर को बचाने के लिए जितना शीघ्र ये यज्ञ आरंभ कर दिया जाए, उतना शीघ्र आरंभ कर देना चाहिए महाराज। गुरुवर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है महाराज, अत्यंत आवश्यकता है। देखिए महाराज विजयनगर की जनता कितनी त्रस्त है महाराज। विजयनगर वासियों चिंतित मत होइए, हमारे रहते आपका कोई अहित नहीं कर सकता। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाबा काल भैलू की जय। 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 प्रणाम महाराज। प्रणाम काल भैलू महोदय, हम आप की प्रतीक्षा कर रहे थे। है? क्यों महाराज? आप ही ने कहा था ना कि आप पुनः लौट कर आएंगे। जी महाराज, हम अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, परंतु प्रलयनाथ के कारण विजयनगर में जो हड़कंप फैला हुआ है उसे देखते हुए हमें आना पड़ा। आपने पंडित रामकृष्ण के विषय में कुछ पता लगाया? जी महाराज, हमने पंडित रामकृष्ण के विषय में ज्ञात किया है। महाराज बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पंडित रामकृष्ण जी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? उनका स्वर्गवास हो गया है। पंडित रामकृष्ण
उनका शव खंडहर के पास वाले कुएं में पड़ा हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं? जी महाराज, हम असत्य क्यों कहेंगे? हम कहा कह रहे हैं कि आप असत्य कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं आप। तो काल बेलू महोदय, प्रलयनाथ पिशाच से मुक्ति पाने हेतु आपको दूसरा अनुष्ठान करना होगा। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ? इसमें ज्ञात होने वाली क्या बात, इससे पूर्व भी आपने एक अनुष्ठान किया था पंडित रामकृष्ण के साथ, परंतु वो सफल नहीं हुआ। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपको दूसरा अनुष्ठान करना होगा। जी महाराज, दूसरा अनुष्ठान करना पड़ेगा। और उसके लिए तो आपको बहुत सा धन चाहिए होगा। धन नहीं चाहिए महाराज, हमें तो केवल सामग्री लगेगी, जैसे कि आपने पूर्व अनुष्ठान के लिए सामग्री उपलब्ध कराई थी। अवश्य बाबा काल बैलू जी, इस बार हमारे सैनिकों ने 30 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा पीपल का वृक्ष भी ढूंढ निकाला है, और उसकी लकड़ियां भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। महाराज, हमारे विचार से अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा पिशाच निवारण महायज्ञ। गुरुवर, प्रलयनाथ पिशाच को कोई यज्ञ नहीं रोक सकता, वो मात्र हमारे अनुष्ठान से ही नियंत्रण में आ सकता है। आपका अनुष्ठान एक बार विफल हो चुका है। उसका कारण पंडित रामकृष्ण थे, हमने उन्हें सुरक्षा घेरे से बाहर आने के लिए मना किया था, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो सुरक्षा घेरे से बाहर आए। महाराज देखिए, पिशाच निवारण महायज्ञ ही एकमात्र उपाय है, आप हमें बस। गुरुवर, शांत हो जाइए। कालवेलु महोदय, आप दूसरे अनुष्ठान की तैयारी आरंभ कीजिए। हम तो तैयार हैं महाराज, बस आप आज्ञा दीजिए, आज रात्रि ही हम अनुष्ठान आरंभ करेंगे। आज रात्रि नहीं, 2 दिवस पश्चात। 2 दिवस? आप केवल मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। 2 दिन में क्या हो जाएगा पंडित रामकृष्ण? आपको ज्ञात हो जाएगा महाराज, केवल 2 दिन प्रतीक्षा करें। परंतु महाराज, 2 दिवस में तो वो पिशाच प्रलयनाथ और उत्पात मचाएगा, हम और अवसर नहीं ले सकते महाराज। बाबा आपकी बात तो सत्य है, परंतु पंडित रामकृष्ण की असमय मृत्यु के लिए हम 2 दिवसों के लिए राजकीय शोक घोषित करना चाहते हैं। तो क्या है, पंडित रामकृष्ण केवल हमारे लिए ही नहीं, अभी तो समस्त विजयनगर राज्य के लिए एक बहुमूल्य रत्न है। अब रत्न थे पंडित रामकृष्ण, अतः उनके लिए इतना करना तो आवश्यक है। उचित है महाराज, परंतु हम आपको वचन देते हैं काल बेलू महोदय, यदि आपने हमें हमारे राज्य को उस पिशाच से मुक्ति दिलवाई तो हम आपको धन देकर पुरस्कृत करेंगे। महाराज ये तो आपकी महानता है, परंतु हम एक तांत्रिक हैं, हमें तो वन और निर्जन स्थल चाहिए। यदि आप हमारे कार्य से प्रसन्न हुए तो विजयनगर के समस्त वन हमारे अधिकार में दे दीजिएगा। महाराज, यदि हमने हमारे वन बाबा को दे दिए तो उसमें बसे हमारे गांव और छोटे छोटे कबीले भी बाबा के अधीन हो जाएंगे, और साथ ही वन के सारे फल फूल पेड़ पौधे विशेष सामग्री एवं विशेष जड़ी बूटियां भी बाबा की हो जाएंगी। इसी कारण से पिशाच निवारण महायज्ञ ही उपयोगी है महाराज, आप हमें एक बार। बाबा काल बेलू महोदय, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। महाराज आप अत्यंत दयालु हैं, परंतु महाराज इस बार अनुष्ठान में हमारे साथ कौन होगा? हम रहेंगे, हम अर्थात हम, हमारे राज दरबारी, हमारे विजयनगर राज्य के समस्त परिजन रहेंगे। क्यों, कोई समस्या है? नहीं महाराज, परंतु महाराज आप सबकी हम अकेले सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आपको सुरक्षा करने की क्या आवश्यकता है, आप तो वो सुरक्षा घेरा बना देते हैं, बस सबको उसी में रहना है। जी जी महाराज। अद्भुत,
तो आप हम सभी के लिए एक सुरक्षा घेरा बना लीजिए और उसके पश्चात निश्चिंत होकर अपना अनुष्ठान कीजिएगा। जैसी महाराज की इच्छा। तो आप सबको हमारे साथ अनुष्ठान के लिए खंडहर में चलना होगा। खंडहर में नहीं, अनुष्ठान यहाँ राज दरबार में होगा। दरबार में? क्यों, कोई समस्या है क्या कालबेलु महोदय? क्या वो पिशाच यहाँ राज दरबार में प्रकट नहीं हो पाएगा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, पिशाच प्रलयनाथ को कैसा भय? वो तो आपके शयन कक्ष तक पहुंच गया था, फिर दरबार क्या है? उचित है तो ये तेरा दो दिवसों उपरांत यही रात दरबार में बाबा काल बैलू अपना अनुष्ठान आरंभ करेंगे और इस अनुष्ठान में हम सभी उपस्थित होंगे और ये दो दिवस पंडित रामकृष्ण की स्मृति में राजकीय शोक घोषित किए जाते हैं। प्रणाम महाराज। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। ये क्या है? क्या अपने महाराज के सिंहासन के समक्ष और बाकी सिंहासनों के समक्ष ये श्वेत पदार्थ से रेखाएं क्या अंकित की? ये सुरक्षा घेरा है, जो इसके भीतर रहेगा प्रलयनाथ पिशाच उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हमारा क्या होगा? अब महाराज आप कृपया एक आलू बैल को बोलिए कि हमारे आसन के आसपास भी सुरक्षा घेरा बनाए। वो क्या है महाराज के जो हमारी सिद्धियां हैं वो छोटे मोटे पिशाचों और प्रेतों के लिए नहीं है। जी जी गुरुवर। कालबेलु महोदय, गुरुवर के लिए भी आपको सुरक्षा घेरा बनाना होगा। हाँ चलिए बनाइए। अवश्य महाराज। अच्छे से बनाई बनाई। बहुत अच्छा हो गया। चलिए बाबा काल बैलू अब अनुष्ठान आरंभ कीजिए। बाबा काल बैलू आप अनुष्ठान करेंगे या खिलौनों के साथ खेलेंगे? अरे मिट्टी के खिलौने जीवित हो गए। हाँ सही कह रहे हो बाबा, चमत्कारी है। हाँ चमत्कारी है, सही कह रहे हो भैया। गुरुजी संभालिए। भयभीत मत होइए गुरुवर, ये हमारे योद्धा हैं। प्रलयनाथ पिशाच के अदृश्य प्रेत अनुचरों से हमारी रक्षा करने के लिए। परंतु ये हमारी ओर क्यों फुदक रही हैं? कदाचित प्रलयनाथ पिशाच का कोई अदृश्य अनुचर प्रेत आपके आसपास मंडरा रहा है। कहाँ? बाबा एक बात बताइए, आप निश्चित रूप से स्पष्ट है ना कि ये जो आपने सुरक्षा का घेरा बनाया है इसे कोई दुष्ट आत्मा, प्रेत, कोई अदृश्य शक्ति ला नहीं सकती है? जी हाँ। पक्का? हाँ एकदम पक्का। हाँ फिर ठीक है महाराज। हाँ चलिए आप अपना अनुष्ठान आरंभ कीजिए। तनिक प्रतीक्षा कीजिए गुरुवर। ये पकड़िए। क्या है? चना। हम चने खाएंगे? हैं? ये चना किस लिए? गुरुवर इनसे मिलिए, ये है हमारे मित्र मल्लिकृष्णा सूर्यराव। अब इसे क्या मिले, इसके मिलने के दिन तो चले गए।
ये क्या कर रहा है? भयभीत मत होइए गुरुवर, ये हमारा सहायक है मल्लिकृष्ण सूर्य राव। इसके भाई वेंकटपति सूर्य राव से पंडित रामकृष्ण की भेंट हो चुकी है। पूर्व के अनुष्ठान में प्रलनाथ पिशाच ने उसे तोड़ डाला था और तब से ये अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता है, इसीलिए अनुष्ठान में हमें सहयोग कर रहा है। अच्छा गुरुवर, जब ये जीवित थे तो दोनों भाइयों को चना बहुत पसंद था, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी चना खाते रहते हैं। धनी मनी जी, गुरु जी, ये जो चना है रखो और जब जब ये महानुभाव खाना चाहे तो इन्हें खिला दीजिए। जी गुरु जी। महाराज, हम अनुष्ठान आरंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। एक क्षण काल बिल महोदय। महामंत्री जी। महाराज, जो आज्ञा महाराज। ये महामंत्री ने ताली क्यों बजाई? क्या आने वाला है? मेरी मानो तो शीघ्र यहाँ से निकल चलो। क्यों? क्या पता पंडित रामकृष्ण का शव उठ के खड़ा हो जाए और उठते ही आपका गला पकड़ ले। हमारे मित्र पंडित रामकृष्ण समय से पूर्व ही स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए। कालबेल महोदय, यदि आप हमें सूचना ना देते तो हमें कभी पंडित रामकृष्ण का शव प्राप्त न होता। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। हमारा औभाग्य है महाराज। पंडित रामकृष्ण के इस बलिदान को विजयनगर राज्य कभी नहीं भूल पाएगा। देखा गुरु जी, ये पंडित रामकृष्ण तो मरने के बाद भी प्रशंसा ही प्राप्त कर रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित रामकृष्ण का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित रामकृष्ण का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। गुरुजी, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। कि ये भी पंडित रामकृष्ण का कोई नया प्रपंच तो नहीं है? सूरज चांद रहेगा पंडित रामकृष्ण का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित रामकृष्ण का नाम रहेगा। महाराज, हमें पंडित रामकृष्ण के शव का निरीक्षण करना है। क्या शव का निरीक्षण करेंगे गुरुवर? हमारा कहने का तात्पर्य है दर्शन महाराज, पंडित रामकृष्ण केवल आप ही के नहीं महाराज, समस्त विजयनगर के प्रिय थे। हमें भी इनके अंतिम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे महाराज। अवश्य। धन्यवाद। चल रही श्वास भी नहीं चल रहा। हृदय गति भी रुकी हुई है, अर्थात ये वास्तव में चला गया है। गुरुवर, हमें ज्ञात है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि पंडित रामकृष्ण स्वर्ग लोक से धार गए, परंतु सत्य यही है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है जी। संभवतः आपको इनकी मृत्यु से इतना आघात लगा है कि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे जी। महाराज, सत्य वचन महाराज, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि पंडित रामकृष्ण हमें छोड़कर चले गए जी। अरे पंडित, हम तुम्हें सदैव स्मरण रखेंगे।
कितने रुष्ट थे आप हमसे कि आपने हमें अंतिम विदा का अवसर भी नहीं दिया। मेरे प्यारे मित्र, एक बार अपने नेत्र खोल दो, एक बार खोल दो नेत्र, एक बार पंडित रामकृष्ण जीवित है, अभी इन्होंने आंखें खोल कर हमें देखा। क्या असंभव गुरुवर, ये कैसे हो सकता है? गुरुवर, आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। ये सत्य में ही मृत है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। पक्का? हाँ एकदम पक्का। हाँ फिर ठीक है। सत्य वचन बाबा, हम चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण का शव भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बने। अंततः उन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति एक अनुष्ठान हेतु ही दी थी, और हम ये भी चाहते हैं कि काली शक्तियों पर आपकी जो विजय है, ये जो अद्भुत घटना है, ये पंडित रामकृष्ण के शव के समक्ष घटित हो। मरणोपरांत ही सही, हम चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण ये देख सके। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। हमारा पाला तो जीवन भर शवों से ही पड़ा है, हमें क्या आपत्ति? अद्भुत, तो अनुष्ठान आरंभ कीजिए। मृत्यु सत्य है, ये सब व्यर्थ है। शोम शोम चामुंडाय विच्छे, शोम शोम चामुंडाय विच्छे। बाबा अनु ये धुआं धुआं क्या कर दिया? हम पिशाच प्रलनाद का आह्वान कर रहे हैं, इस धुएं में हमारी सांस रुक जाएगी और हम पिशाच बन जाएंगे। गुरुवर, आपको जो कार्य दिया गया है उसे उचित रूप से पूर्ण कीजिए। इसे चना खिलाइए और बार बार हमें टोक कर हमारे अनुष्ठान में विघ्न मत डालिए। धनमणि जी, गुरु जी चना खिलाओ जी। खिलाते हैं चना। काले काले मल्लिकांत राव, कृष्णा जी चना खाओ। काल बैलू, पिशाच प्रलयनाथ अब तक क्यों नहीं आया है? आ रहा है। अरे कहाँ आ रहा है? हमें उसके पांव की ध्वनि सुनाई दे रही है। सावधान, कोई भी सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं आएगा। शोम शोम चामुंडा विच्छे, शोम शोम चामुंडा विच्छे। धनमणि प्रलयनाथ, तुम दोनों को घूर घूर कर
क्यों देख रहा है? गुरुजी, ये हमें नहीं, आपको देख रहे हैं गुरुजी। अरे कुछ तो करो कालू बैल, बड़े पिशाच विशेषज्ञ के बने फिरते हो, अब क्या सांप सूंघ गया? प्रलयनाद, पिशाच की शक्ति और बढ़ चुकी है, अब इसकी शक्ति को काटने के लिए हमें और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करना होगा। हाँ तो करो, करो, करो। महाराज, अनुष्ठान सफल हो गया। महाराज, हमने पिशाच प्रलयनाद को नियंत्रण में कर लिया। महाराज, अब हम इसके शव को लेकर विजयनगर से बाहर चले जाएंगे और फिर अपने मंत्रों द्वारा निर्मित समाधि में बंद कर देंगे। उसके पश्चात ये कभी बाहर नहीं आएगा। महाराज, अद्भुत कालबेल महोदय, हमने अपना वचन पूर्ण किया है, अब आप भी अपना वचन निभाए। आपने हमें वचन दिया था, यदि हम पिशाच प्रलयनाद के प्रकोप से विजयनगर को सुरक्षित कर देंगे तो आप विजयनगर के समस्त वन हमारे अधिकार में दे देंगे। हमें स्मरण है कालबेल महोदय। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्ण महाराज, पंडित रामकृष्ण नहीं, ये पंडित रामकृष्ण का प्रेत है। सही पहचाना गुरु है। पंडित रामकृष्ण, प्रेत रामा, हमने आपको समस्त वचन दे दिए, आप उन्हें क्यों आए? मैं आपके लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ बाबा काल बैलू और पिशाच प्रलयनाद के लिए आया हूँ। नहीं, पंडित रामकृष्ण और वो भी महाराज। ये भी खड़ा हो गया। पंडित रामकृष्ण, रामकृष्ण नहीं, प्रेत रामा। बहुत सही समय पर होश आया है प्रलयनाद। किंतु ये सब हो क्या रहा है? पंडित रामकृष्ण इनकी ओर क्यों जा रहे हैं और ये पिशाच खड़े कैसे हो गए? पुनः महाराज, इन दोनों ने मेरे प्राण हरे थे, अब मैं इनसे अपना प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध? काल बेलू जी, ये रामकृष्ण फिर से जीवित कैसे हो गया? मुझे क्या पता, तुमने तो कहा था कि पंडित रामकृष्ण कुएं में डूबकर मर चुका है। अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रामकृष्ण मर चुका है। अरे रामकृष्ण मर चुका है तो सामने कौन खड़ा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये रामकृष्ण का प्रेत है। प्रेत होते हैं क्या? मुझे क्या पता। अब मैं तुम दोनों को मार कर अपना बदला लूंगा। प्रलयनाद पिशाच को सुरक्षा की आवश्यकता है। महाराज, मैं पिशाच नहीं हूँ, दरअसल ये सब नाटक था महाराज, वो भी कालबेलू का कहने पे। महाराज मुझे क्षमा कर दिया महाराज, मैं तो एक योगा जा रही हूँ महाराज। शर्म आनी चाहिए आपको, हम तो मामूली ठग है महाराज, ये सारी योजना इसी की है। नहीं महाराज,
अब तुम दोनों अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो, क्योंकि अब मैं अपने इन लंबे और तेज नाखूनों से तुम्हें चीर फाड़ कर दिखाऊंगा। महाराज जमा कर दिया मैं। ये तो पंडित रामकृष्ण जी है। ये तो जीवित है, ईश्वर का धन्यवाद। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही भय को समाप्त करता है। क्यों, मैंने सत्य कहा ना काल बैलू जी, प्रलयनाथ पिशाच जी। अद्भुत पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा, हमें तो पूर्व से ज्ञात था। हम तो बस वो नकली डर दिखाकर स्थिति को थोड़ा और वास्तविक बनाने का प्रयास कर रहे थे, है ना? कैसा लगा? ओ महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। इतनी सरलता से आपको क्षमा प्राप्त नहीं होगी। भोली भाली प्रजा के अंधविश्वास और भय का अनुचित लाभ उठाया है आपने। दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। और आप सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत से ढोंगी और ये भूत पिशाच, ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। इन्होंने रचे हैं ये आप सभी को भयभीत करने हैं। अतः हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, ऐसी बातों पर विश्वास ना करें, अन्यथा ऐसे ढोंगी तो बहुत मिल जाएंगे आपको। जी महाराज, सत्य उच्चन महाराज। विश्वासघाती है दोनों। महाराज, महाराज, पंडित रामकृष्ण, आप अपने अपराधियों को ये बताइए कि ये सब आपने किया कैसे? हाँ, ये तो हम भी जानना चाहेंगे। पंडित रामकृष्ण, आप ये पहले भी सुलझा दीजिए कि कुएं में डूबने के बाद भी आप बाहर कैसे निकल आए? पिशाच प्रलयनाथ जी, क्षमा करें ठग प्रलयनाथ जी, उस रात्रि आप मेरे पीछे खंडहरों से भागे थे, स्मरण है? स्मरण है। कार्य हो गया ना? पंडित रामकृष्णा ने हमारी समस्या का स्वयं ही निवारण कर दिया। वो उस कुएं में कूद के स्वयं ही डूब के मर गया। अति उत्तम, अति उत्तम। अब तक सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। हाँ, और हम आशा करते हैं कि हर बार की भांति इस बार भी हम सफल होंगे। हाँ, और महाराज कृष्णदेव राय से बहुत सा धन और संपत्ति ठग लेंगे। अति उत्तम। अदृश्य शिष्य रुमझुम, जो मसाल हाथ में लेके घूमता है। गजब का नाम सोचा है मित्र, गजब का। आपने तो योगी को भोगी बना दिया काल बेलो बाबा। भोग में ही आनंद है, भोग में ही आनंद। सत्य कहते हो काल बेलो बाबा,
योग के द्वारा लंबे समय तक सांसों को रोकना और अपने हृदय गति को कुछ क्षण के लिए शांत करना, इस मेरी कला का भरपूर लाभ तो आप ही उठा रहे हो मित्र। हम स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी ये कला अद्भुत है, परंतु ये मत भूलो हमारी नाटक की कला भी कमाल है। यदि हम प्रलयनाथ पिशाच की भयावह कथा का सूत्र नहीं बनाते तो तुम्हारी ये कला व्यर्थ हो जाती। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं मित्र, इसलिए तो बराबर के हिस्सेदार हैं। धन में भी और अपराध में भी। प्रलयनाथ, अब केवल अनुष्ठान में तुम्हारी उपस्थिति लगेगी और अंतिम बार तुम्हें मरने का नाटक करना होगा, और इसके पश्चात हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे और पुनः यही खेल खेलेंगे। अच्छा, तो ये खेल है इनका। अच्छा है, अब आएगा आनंद। तुम्हारा सच जानने के पश्चात मैंने ये निर्णय लिया कि मैं तुम्हारी ही योजना के अनुसार तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं महाराज से मिला और 2 दिवस की मोहलत मांगी ताकि मैं योग द्वारा लंबे समय तक अपनी हृदय गति और अपने श्वास को नियंत्रण में करने का अभ्यास कर सकूं। कड़ी तपस्या की किंतु मात्र असफलता ही हाथ लगी। अंततः माता के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त हो ही गई। काल बैलू जी, वो मानव खोपड़ी कैसे हिलती थी ये तो मैं समझ गया। आप अपने पैर के अंगूठे से बंधी डोरी से उसे सरकाते थे, फिर वो जो मिट्टी के खिलौने थे इसलिए हिलते थे क्योंकि आपने उसके भीतर मेंढक छुपा रखे थे। ये देखो, उस लड़की ने हमारी मिट्टी की गुड़िया में बंद मेंढकों को मारी डाला। मेंढक, मेंढक। प्रलयनाथ ने अपने कलाई बंद में जहरीली सुई छुपा रखी थी जिससे वो किसी को भी मूर्छित कर देता था। ये सारी बातें तो मैं समझ गया, किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तो हवा का चक्रवात आपने कैसे उत्पन्न किया? कृपया अपनी बुद्धिमता से मुझे भी कृतार्थ करें। अरे हाँ, चक्रवात, इसने हमारे गुरु जी को बहुत बुरी तरीके से नीचे गिराया था। बकना अवश्य था क्या? वो इधर आइए, इधर आइए, महाराज को भी बताइए, आइए। हाँ महाराज, भौतिकी विज्ञान अक्सर नाविक समुद्र में इसका उपयोग करते हैं। वो त्रिपालों की सहायता से वायु की ऊर्जा को अपनी इच्छा अनुसार दिशा देते हैं, इससे उनकी बड़ी बड़ी नौकाएं समुद्र में तैरती हैं। हम भी वैसा ही करते थे, छोटे छोटे त्रिपालों की सहायता से वायु की ऊर्जा को 3 कोनों से दिशा देते थे, उससे एक चक्रवात उत्पन्न होता था। उन्हीं त्रिपालों की सहायता से वायु की ऊर्जा से आक्रमण करते थे। अति उत्तम, एक भौतिक वैज्ञानिक और दूसरा योगाचार्य जो अपनी योग साधना में इतना अद्भुत है कि लंबे समय तक अपनी हृदय गति और श्वास को रोक सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश इतना बुद्धिमान होने के बाद भी आप दोनों अपराध के रास्ते पर चल पड़े। अब अकाल बैलू, प्रलयनाथ जी, आप दोनों के इस कार्य का सबसे अधिक दुख मुझे। स्वामी, गुरु माता, स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको मोर पंखी झाड़ू से मारा। परंतु प्राश्चित को काटने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। हम आपसे 21 दिन तक पृथक नहीं रह सकते थे। हमारी मनोकामना सच्ची थी। अब गुस्सा छोड़िए और ग्रह को चलिए। किस मूर्ख ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था वरुण माला? हमें मार्ग में एक बाबा मिले थे। बाबा? गुरु माता, कहीं वो बाबा ये तो नहीं है? बाबा अपनी सूरत तो दिखाइए। अरे दिखाइए दिखाइए। यही तो थी। प्रणाम बाबा, प्रणाम।
कालबेलू, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कालबेलू, छोड़ो हमें, अरे छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, अरे छोड़ो, शांत शांत हो जाइए गुरुवार, महाराज गुरुवार, गुरु माता जी कृपया गुरुवार को अपने निवास पर ले जाइए और इन्हें स्वादिष्ट भोजन कराइए जी। चलिए स्वामी जी। जी महाराज। कोतवाल। जी महाराज। इन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों महाराज क्षमा कर दीजिए, महाराज महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम कभी ऐसा नहीं होगा महाराज, महाराज एक बार क्षमा कर दीजिए। पंडित रामकृष्णा अब आपसे क्या कहें, पुनः एक बार हम यही कहेंगे कि गर्व है हमें आप पर, प्रसन्न हुए हम आपसे। धन्यवाद महाराज। वैसे हमने देखा कि भूत प्रेत पिशाच के विषय में आप अत्यंत निपुण हो गए। तो श्रीलंका नरेश जो हमारे मित्र है वो तो आपको याद होंगे जी। उनका पत्र आया था और वो कह रहे थे कि उनके राज्य में भी भूत पिशाच की कोई समस्या है, गंभीर समस्या है। तो हम चाहते हैं कि आप वहां जाकर उनकी समस्या भी। नहीं नहीं महाराज, मुझे ये सब नहीं आता है, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं 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 पंडित रामकृष्णा। हाँ हम परिहास कर रहे थे। परंतु आपने कार्य अद्भुत किया है पंडित रामकृष्णा, हमारे लिए, समस्त विजयनगर राज्य के लिए। तो कहिए पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामा की जय। पंडित रामा की जय। पंडित रामा की जय। रामा उठो रामा, रामा उठो, रामा कौन है, कौन पुकार रहा है? नील प्रकाश कैसा, मुझे नहीं पहचाना, क्या हो रहा है? हेमा रक्षा करना। आह इतनी अच्छी दिव्य सुगंध, क्या हो रहा है ये सब? सत्य नहीं हो सकता माँ। ऐसे तो प्रतिदिन मेरा स्मरण करते रहते और अब जब मैं स्वयं तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। माँ मेरा हो भाग्य माँ जो तुमने मुझे दर्शन दिए, ये होती है माँ जो अपने पुत्र के हृदय की बात समझ जाती है। क्या हुआ माँ, यदि माँ अपने पुत्र के हृदय की बात समझ जाती है तो पुत्र से भी माँ के मन की बात छिपी नहीं रह सकती। बताओ ना क्यों व्यथित हो? राम, राम। जितना देखना चाहते हो देख ले, क्योंकि अब मेरी विदाई का समय आ गया है। वियोग होगा हमारा। वियोग होने वाला है? ये कैसी बातें कर रही हो माँ, भला माँ से भी पुत्र का वियोग होता है कभी? हाँ तुम्हारे दर्शन कभी कभी होते हैं, किंतु रहती तो तुम यही हो, तुम्हारी दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहती है। सत्य कहा पुत्र, परंतु अब मुझे जाना हो, और ये भी अटल सत्य है राम, विजयनगर पर मेरी कृपा युगों युगों से है।
कृष्णदेव राय के पूर्वजों के पुण्य प्रताप के कारण मेरा यहाँ वास है, और जहाँ मेरा वास होता है वहाँ सुख समृद्धि सदैव रहती है। परंतु राम, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, जो आया है उसे जाना होता है। सुंदर नगर मरुस्थल और मरुस्थल उद्यानों में परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। ये क्या कह रही हो माँ? यही कि विजयनगर में मेरे वास का काल अब समाप्त हो गया है। मैं विजयनगर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम कैसे जा सकती हो? तुम नहीं जा सकती ना माँ। रामा, तुम प्रकृति के नियम को परिवर्तित नहीं कर सकते। तुम मुझे अति प्रिय हो राम, इसलिए एक बार तुम्हें देखने चली आई। अब मुझे जाना होगा। माँ, मत जाओ, माँ रुक जाओ। याद नहीं होता, पता नहीं कैसा स्वप्न देखा है। अरे उठिए, हम आपको क्या आपकी अम्मा प्रतीत होते हैं। सुनिए, उठिए, आपकी अम्मा बाहर है। वो चली गई। माँ चली गई। हाँ, अम्मा चली गई। अम्मा ने शारदा, माँ चली गई। प्रतीत होता है कि आपने अम्मा को लेकर कोई बुरा स्वप्न देखा है। अम्मा को बुलाओ। अम्मा! नहीं, रहने दो। ऐसा क्या स्वप्न देख लिया जो इतने व्यथित है आप? मैं विजयनगर छोड़ के जा रही हूँ। माँ,